सत श्री अकाल जी, मैं शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मालवे के विधानसभा सीट गिदड़बाहा ते आज पूरे पंजाब दियां नजरां टिकियां होईयां हन, क्योंकि इस सीट ते कांग्रेस के सूबा प्रधान राजा वड़िंग की पत्नी बीबी अमृता वड़िंग मैदान दे विच ने ते उन्हां दा मुकाबला अकाली दल नूं छड्ड के आप दी गड्डी चढ़े हरदीप सिंह डिंपी ढिल्लो अते भाजपा दे उम्मीदवार साबका खजाना मंत्री मनप्रीत सिंह बादल नाल है। इस सीट तो अकाली दल चोण मैदान तो ऐतकी बाहर है, जबकि यही अकाली दल इतों 30 साल पहला कांग्रेस नाल वकार का सवाल बना के लड़िया सी ते मनप्रीत बादल विधायक बने सन, तां जाके उत्थे अकाली दल दे पैर लगे सन। पर हुण 30 साल बाद अकाली दल दे वोटर ते सपोर्टर किसकी मदद करन जा रहे ने, ए तां उहनां दे ढिड दी गल है जो कोई नहीं जान सकता। पर गिदड़बाहा दे विच इस गल दी चर्चा है कि अकालियां दी वोट किस नूं मारेगी चोट ते किस दे आवेगी लोट। तां मेरे नाल फोन लाइन ते जुड़ चुके ने सियासी माहर प्रीतम सिंह खानपुर। प्रीतम जी, की कहना चाहोगे? पहले तो तुहाडा चढ़दी कला अदारे दे विच बहुत बहुत स्वागत है। अकाली दल दी वोट किस नू मारेगी चोट ते किस दे आवेगी लोट, की कहना चाहोगे तुसी? तुसी बहुत वधिया जिहड़ा है ढुकवें लफ्ज़ां नाल कहा गिदड़बाहे दी वोट किस ते मारेगी चोट ते किस दे आवेगी लोट। हर बंदा ए आसा लाई बैठे है जी, क्योंकि गिदड़बाहा दी सीट है जिहड़ी शुरू तो ही श्रोमणी अकाली दल दे बादल परिवार दी अपनी मोनोपली रही है ते आप इथों इलैक्शन लड़दे रहे ने, चाहे आप लड़न चे किसे नूं भी लड़ाउण ते जितदे रहे ने। पर इस वार जिहड़ी स्थिति है बहुत ही बदली हुई है, क्योंकि सरदार सुखबीर सिंह बादल नूं तरखाइया करार देण तों बाद ते अकाल तख्त साहिब ने हुकम भी किसी भी समागम विच किसी भी धार्मिक विच या सियासी विरोध नहीं अदा कर सकते हैगे, उह नहीं जा सकते। ते इस गल नूं लैके श्रोमणी अकाली दल दी कोर कमेटी ने फैसला कीता कि असी जरनैल तों बिना इलैक्शन नहीं लड़ सकते। पर बहुत दुख दी गल है 103 साल पुरानी पार्टी होवे श्रोमणी अकाली दल जी, ओहदे कोल इक्के जरनैल एड्डी बड़ी पार्टी कोल, कि बाकी जिहड़े बंदे सी ओह जरनैल नहीं हैगे, ओह पिछे सिर्फ इक उहनां दी दड़ियां बिछाउण वाले ने जां उहनां दे हाज हाम लाउण वाले ने। इस लई इह जिहड़ी एड्डी वड्डी पार्टी कुर्बानियां दे के घर बार लुटा के बणी सी, अज ओह इक परिवार दी झोली च पैण भर के ते इक कहिंदे वी इक साडा जरनैल ही तां गल होई, अज होवे सरकार दा मुल पावे जिहड़ी खालसे ने तेगां मारियां ने, इक सरकार दे मूल वाजों फौजां जित के अंत नूं वारियां। जे श्रोमणी अकाली दल दी समुची लीडरशिप इक उस तरह चलदी जिस तरह अकाली दल दा संविधान ते विधान बणिया सी कि हर इक नूं समां मिलना चाहिंदा है, कोई किसे दी मोनोपली नहीं, किसे दे प्यो दी पार्टी नहीं, किसे दी घरेलू पार्टी नहीं, किसे दी खानगी नहीं हैगी, क्योंकि अज तो 30 साल पहला प्रधान बदलते रहे। फतेह सिंह आया, फतेह सिंह तो बाद संत चन्नण सिंह आया, चन्नण सिंह तो पहला मास्टर तारा सिंह जी आए, तारा सिंह जगदेव सिंह तलवंडी आया, तलवंडी तो बाद सरदार सुरजीत सिंह बरनाला आए। इस तरह प्रधान किसी एक दे घर दी मोनोपली नहीं बनी सी जी। पर 1996 दे विच 94 दे विच इह पार्टी इक मोनोपली बन ली सरदार प्रकाश सिंह जी बादल ने, कि उहनां तों बाद उहनां दा पुत्तर ही प्रधान बणे। पर इस गल नूं लै के जदों पार्टी दे विचों ही सुरां उठियां, ढींसा साहब ने, सेवा सिंह सेखवां ने, सरदार ते राम अपना लालपुरा जी ने, या जिन्हें भी आवाज उठाई, उहनूं पार्टी दा बाहरला रस्ता दिखा दित्ता। पार्टी दा बाहरला रस्ता दिखाउण दा नतीजा इह निकलिया कि जिहड़ी पार्टी 77 सीटां जित के सरकार बणाउंदी सी उह 3 सीटां दे उत्ते आ गई जी। 3 सीटां आउण तों बाद उह पार्टी च बगावत पैदा हुई, उहदे विचों इह सोचिआ वी पंथ नूं चढ़दी कला वास्ते इक दल लहदा कायम हो गया।
दल अकाल तख्त ते पेश होया, पेश होने अपने गुनाह मन्ने भी सातों एक गलतियां हुई ने साडी सरकार टाइम महाराज की बेअदबी हुई है, नौजवानों नु मारिया गया ते बहुत कुछ होया, खिमा जाचना करना है। खिमा जाचना दे नाल ए भी कहा सरकार दे जिहड़े मुख्यमंत्री सी डिप्टी मुख्यमंत्री सी उन्होंने बुलाया, उन्होंने बुलाने तो बाद अज स्थिति यह आ गई है कि श्रोमणी अकाली दल का कोई भी धड़ा इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, मैदान खाली खाली करता ते हुण खाली मैदान दे विच अमृता बड़िंग जिहड़ी कि कांग्रेस दे प्रधान दे मैंबर पार्लीमेंट राजा बड़िंग दी करवाली जी, दूजे पासे मनप्रीत बादल जिहड़ा कि अकाली दल छड के कदे बीजेपी चलिया जांदा सी, पहला फिर आप चलिया गया सी ते हुण मुड़ के फिर उत्थे एक पासे वो है, ते तीजे पासे जिहड़े श्रोमणी अकाली दल दे बिलकुल खास दा प्रकार अपना सुखबीर सिंह बादल दी सज्जी बाह हुंदे सन हरदीप डिंपी ढिल्लों, ओह भी अकाली दल नूं छड के आप जा गए, बिलकुल हुण आप च आउण करके हुण पार्टी च इह सोच रहे ने कि सरदार सुखबीर सिंह बादल डिंपी ढिल्लों नूं वोटां पाऊगा कि अपने भरा अकाली दल का आधार नहीं खत्म होता अकाली दल का कायम रहूगा, पर इस समुची लीडरशिप का सुखबीर सिंह बादल का आधार खत्म हो चुका है, बिल्कुल खत्म होने करके जो कहते साडे नाल वोटा परसनल हो सकता है इनाल जुड़ी हुई हो 10-20 हजार वोट, लेकिन अकाली दल नाल जुड़ी हुई है, अकाली दल जिहड़ा है वह अकाल तख्त के हुक्म नूं मन्नूगा, वह हुक्म नूं मन के वोटा पाउणियां ने, कल नूं मीटिंग भी हैगी है जी जिथे हुण होर भी भड़मस मचाउण दा समां मिल जाऊगा, एक दूजे दे कोल जाके एक दूजे दीआं मिन्नतां करना, एक दूजे नूं लालच देणे, क्योंकि हुण अकाली दल तां लालच नहीं दे सकदा, आप भी जिहड़ी आप है आप भी सेंटर सरकार है, आप भी बड़े बड़े मिठे मिठे गोल गप्पे देणगे, मिठिया मिठिया लल्ली पप देणगे, रसगुल्ले बने, तुहानूं इह दवांगे इह दवांगे, पर सोचा जाए पिछे दत्ता की है, सारिया स्टेटा नूं सेंटर सरकार ने तोहफे दिते ने, पंजाब नूं कुछ भी नहीं मिलिया हैगा, समझो अज भी पंजाब दे जिमीदार सड़कां दे उत्ते बैठे, उहनूं एम एस पी तक नहीं मिली जिहड़ी एम एस पी दी इहनां ने गरंटी करके धरना उठाया सीगा, इस करके लोकां ने सोचना है कि किहनूं वोट पाउणी है, ते राजा बड़िंग कांग्रेस दे उम्मीदवार है, उनकी धर्म पत्नी तेज तरह लीडर ने, हल्के च आधार भी है जी, ते मैनू लगता है कि जिहड़ा मुकाबला वह दो धिरां दे विच ही होण वाला है, आप दे विच सॉरी बीजेपी दे विच अते राजा बड़िंग दे विच, हुण राजा बड़िंग दे धर्म पत्नी का जिस तक ख्याल मेरा है लेकिन जिहड़े अकाली दल दे सिधांतां नाल जां पंथ नूं प्यार करन वाले लोग ने ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਬੜਿੰਗ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਬੜਿੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
जी ते प्रीतम जी तुहानू नहीं लगता कि जिमनी चोणा दा इह गिद्दड़ बाहे तो मुकाबला थोड़ा दिलचस्प होने वाला है क्योंकि जिथे पहला अकाली दल जिहड़े कि वोटा मंगदे सी कि साडे हक दे विच इस उम्मीदवार नू वोटा भुगताओ तां हुण खुद दूजे उम्मीदवार दे हक दे विच वोटा भुगताणगे। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਵਲ ਦਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਉਹ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਅੱਛੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ SOI ਬਣਾਈ। SOI ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਦੂਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਾ ਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਗੇਂਦ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਚਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਾੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣੇ, ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਨੀਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਨੇ ਉੱਪਰ ਜੈੱਲ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ ਨੇ ਤੇ ਟੈਟੂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਰ ਸਕੀ। ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈ, ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਗਿੱਦੜ ਬਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਵੇਗੀ ਲੋਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਈਸ਼ਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸੋਚਣ ਦਾ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਘੱਟ, ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਫੇ ਬੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਹਰ ਅਕਾਲੀ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਉਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ EVM ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬਣ ਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਚੋਟ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾਉਣਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਗਿੱਦੜ ਬਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੋਟ ਮਾਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੋਟ ਆਵੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV। ਧੰਨਵਾਦ।